दिल्ली थी। दिल्ली में आईएसआईएस ना आतंकी की धरपकड़ थी। धोलाकुआ रिंग रोड पास स्पेशल सेल धरपकड़ करी। धरपकड़ करायेला आतंकी पास थी आईईडी जप्त करवामां आव्युं छे। अबू यूसुफ नामना आतंकी की धरपकड़ करवामां आवी छे। पूछपरछ शुरू कर देवामां आवी छे। केवी रीते आईईडी तेने मळ्यो हतो, आईईडी जे जप्त करवामां आव्यो छे तेने लईने पण तपास करवामां आवी रही छे। अबू यूसुफ ना तार कोनी साथे जोडायेला छे ते विशे पण पूछपरछ करवामां आवी रही छे। दिल्ली माथी खुखार आतंकी संगठन आईएसआईएस नो एक आतंकी जड़पाता खळभळाट मची गयो छे। चिंतानी वात ए छे के ऑपरेशन दरमियान एक आतंकवादी भागवामां सफल पण रह्यो छे। एक आतंकवादी भागी गयो छे। शुक्रवारे रात्रे आर्मी स्कूल नजीक आतंकीओ होवानी जानकारी मळी। ज्यां पहोंची दिल्ली पोलीसनी स्पेशल टीमे ऑपरेशन पार पाड्युं, जेमां झड़पायेलो आईएसआईएस ना आतंकीनुं नाम अबू यूसुफ छे, जे उत्तर प्रदेशना बलरामपुरनो वतनी छे। आतंकीओ पासेथी बे प्रेशर कुकर तथा 15 किलोग्राम जेटलो विस्फोटक जप्त करायो छे। तो हुमलानी दहशत पगले अहीं एनएसजी तैनात करी देवामां आवी छे, जेने समग्र विस्तारनी तपास करी अने बॉम्ब के विस्फोटनी तपास करवामां आवी छे। पोलीसने आशंका छे कि आतंकवादीओने दिल्लीना केटलाक लोको मदद करी रह्या हता, जेना आधारे पोलीसे विविध जग्याए दरोडा पाड़ी तपास शुरू करी छे। तो आईएसआईएस ना आतंकी ने हाल में धरपकड़ करवामां आव्यो होवानुं जाणवा मळ्युं छे। धोलाकुवा रिंग रोड पासेथी आ आतंकी ने पकड़ी पाड़वामां आव्यो छे। बे आतंकीओ हता, जेमांथी एक आतंकी फरार थवामां सफल रह्यो छे। आईएसआईएस साथेना संपर्क होवानुं जाणवा मळ्युं छे, कारण के आतंकी पासेथी ज्यारे आईडी मळ्यो छे पूछपरछमां, ते जाणवा मळ्युं छे के बे लोको आ प्लान ने एक्झिक्यूट करवाना हता। 15 ऑगस्ट ने लईने आ प्लान हतो, परंतु त्यारबाद अनेक अपडेट्स मळी रह्या छे। हजु सुधी સ્પષ્ટતા કરવામાં નથી આવી કે આ આતંકીને પકડવામાં કેવી રીતે આવ્યો છે, કેવી રીતે તેમને ટીપ ઓફ મળી હતી, કેવી રીતે આ ટીમે ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, પરંતુ હાલમાં જે જાણકારી છે તે મુજબ એક આતંકીને પકડી લેવામાં આવ્યો છે। એક આતંકી ભાગવામાં સફળ રહ્યો છે। ઉત્તર પ્રદેશનો આ વતની છે, બલરામપુરમાં રહેતો હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે, જેના આઈએસઆઈએસ સાથે कॉन्टेक्ट था। अबू यूसुफ नाम छे आतंकी नु, जेने पकड़ी लेवामां आव्यो छे। तेमना परिवारजनोनी पण हवे पूछपरछ करवामां आवशे के अबू यूसुफ केटला समयथी आईएसआईएस ना संपर्कमां हतो। आ पहेला पण गुजरातमांथी आईएसआईएस साथेना कनेक्शन मळ्या छे। शुं आ एक ज गेंगना सक्रिय होवानुं छे के अलग अलग जे ऑपरेटर्स हता तेनी साथे काम करी रह्या हता। केटलाक स्पेशियल ऑपरेशन युनिट्स पण त्यां पहोंच्या छे, के जेओ प्रयास करी रह्या छे कि जे अन्य एक आतंकी भागी गयो छे अथवा तो अन्य कोई सुराग मळे छे के केम। अनेक रोबोटनी पण मदद लेवामां आवी रही छे, जेनाथी जाणी शकाय के आ जे आतंकी भाग्यो छे तेनी ट्रेस थई शके अथवा तो तेनी माहिती वधु मेळवी शकाय। धोलाकुवा रिंग रोड पासेनी आ धरपकड़ने लईने वधु तपास पण आदरी देवामां आवी छे। सौथी महत्वनी बात ए छे के जे झड़पायेलो आईएसआईएस नो आतंकी छे, जे उत्तर प्रदेश ना बलरामपुर नो वतनी छे, तेनी साथे उत्तर प्रदेश थी अन्य कोई जोड़ायेलू छे के केम, के सीधा ज आईएसआईएस अथवा तो सीरिया थी कोई जोड़ायेलू छे के केम, ते पण हवे तपास करवामां आवी रही छे। आतंकीओ पासेथी बे प्रेशर कुकर तथा 15 किलोग्राम जेटलू विस्फोट जप्त करी देवामां आव्युं छे। हालमां तेने सील करी देवामां आव्युं छे। हुमलानी दहशतना पगले अहीं एनएसजी पण तैनात करी देवामां आवी छे, जेथी सुरक्षामां कोई चूक न रही जाए। तो जेने समग्र विस्तारनी तपास करी अने बॉम्ब जे छे बॉम्ब ते अने विस्फोटनी विस्फोटकनी तपास करवामां आवी छे। न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद अमारी साथे जोड़ाई गया छे। शंकर जी, आपसे हाल में जानना चाहेंगे और क्या अपडेट्स मिल रही है, एक आतंकी फरार एक को पकड़ लिया गया है। देखिए, कल देर रात में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अब्दुल यूसुफ बताया जा रहा है। और अब्दुल यूसुफ के बारे में बताया जा रहा है कि मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। जिस तरह से कल एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद अब्दुल यूसुफ को गिरफ्तार किया है, इस मामले में उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है और स्पेशल सेल के दफ्तर में रखकर के उससे पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से बकायदा ऑपरेशन के दौरान उसके पास से 2 आईडी बरामद किया गया था, तो उस आईडी को बरामद करने के बाद बकायदा उसे निष्क्रिय करने के लिए एनएसजी की टीम आई और उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन किस तरह से उसके तार कई लोकेशन में फैले हुए हैं, किस तरह से बकायदा उसका संबंध उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजधानी दिल्ली सहित अन्य दूसरे लोकेशन पे है, तो बकायदा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से पूछताछ की जा रही है। थोड़ी देर के बाद इसे औपचारिक तौर पे इस मामले पूछताछ चलने के बाद अब पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उसकी आगे की रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद इस मामले पर
ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर इसके मंसूबे क्या क्या थे। हालांकि जिस तरह से विस्तारित तौर पर जानकारी मिली है कि ये राजधानी दिल्ली में एक बड़े वारदात को अंजाम देना चाहता था, इसके निशाने पे एक बड़े जी थे। तो जिस तरह से हाल में जानकारी प्राप्त हो रही, शुक्रिया शंकर जी सारी जानकारी के लिए। कि जे रीते हाल में पुलिस एक व्यक्ति ने पकड़ी पाड़ो है जेना आईएसआईएस संपर्क, बे आईडी मिली आया, अन्य एक आतंकी फरार है।